ब्लैक होल के बारे में सबसे आकर्षक तथ्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड से परे क्या है? ब्लैक होल ने अपने रहस्यमय और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ दशकों से खगोलविदों को हैरान कर रखा है। ये आकर्षक ब्रह्मांडीय वस्तुएं बड़े पैमाने पर सितारों के अवशेषों से बनती हैं, जो अपने आप में ढह जाती हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है जब पदार्थ ब्लैक होल में प्रवेश करता है, और वे अपने आसपास के समय और स्थान को कैसे प्रभावित करते हैं? इस ब्लॉग पोस्ट में हम ब्लैक होल की दुनिया में गोता लगाएंगे और इन मायावी संस्थाओं के बारे में कुछ सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों का पता लगाएंगे। तो कमर कस लें और ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करने के लिए तैयार हो जाएं। ब्लैक होल क्या होते हैं? ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में सबसे गूढ़ और आकर्षक घटनाओं में से एक हैं। अपने सरलतम रूप में उन्हें अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्रों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, उनसे बच नहीं सकता है। ब्लैक होल की अवधारणा पहली बार 1783 में भौतिक विज्ञानी जॉन मिशेल द्वारा प्रस्तावित की गई थी और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा विकसित की गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार बड़े पैमाने पर वस्तुएं उनके चारों ओर स्पेस-टाइम के ताने बाने को तोड़ देती हैं, जिससे अन्य वस्तुएं इस वक्रता द्वारा निर्धारित पथ के साथ चलती हैं। जब कोई तारा जलने के लिए ईंधन से बाहर हो जाता है और सुपरनोवा विस्फोट में मर जाता है, तो यह अपने वजन के तहत एक अविश्वसनीय रूप से छोटी मात्रा में एक विलक्षणता के रूप में जाना जा सकता है। इस विलक्षणता में इतना तीव्र गुरुत्वाकर्षण है कि यह इसके चारों ओर अंतरिक्षस्मय को विकृत कर देता है, जिसे हम ब्लैक होल के रूप में जानते हैं। प्रत्येक ब्लैक होल के तीन मुख्य घटक होते हैं, घटना क्षितिज, वह बिंदु जहां प्रकाश भी नहीं बच सकता, विलक्षणता, असीमित सघन केंद्र, और अभिवृद्धि डिस्क, एक अंगूठी के आकार की डिस्क जो पदार्थ की ओर खींची जा रही है, ब्लैक होल। ब्लैक होल विभिन्न आकारों में आते हैं, कुछ हमारे सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक विशाल हैं, जबकि अन्य में अरबों या खरबों सौर द्रव्यमान हो सकते हैं। उनकी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद वैज्ञानिक इन आकर्षक संस्थाओं के बारे में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों के आधार पर दूरबीनों और गणितीय मॉडल का उपयोग करके अवलोकन के माध्यम से अधिक जानने में सक्षम हैं। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर हो जाता है और अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाता है। यह तारे की बाहरी परतों को भीतर की ओर धंसने का कारण बनता है, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से घना कोर बनता है, जिसे न्यूट्रॉन तारे के रूप में जाना जाता है। यदि इस कोर का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक है, तो न्यूट्रॉन का प्रतिरोध करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत हो जाता है और यह एक विलक्षणता में ढह जाता है। अंतरिक्षस्मय में इस बिंदु का आयतन 0 है, लेकिन अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक बार प्रवेश करने के बाद किसी भी चीज से बचना लगभग असंभव बना देता है। गठन की प्रक्रिया प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी जारी करती है। इस ऊर्जा द्वारा बनाए गए तीव्र दबाव के कारण ब्लैक होल के आसपास बची हुई कोई भी गैस या धूल तेज गति से उड़ जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल समय के साथ अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ विलय भी कर सकते हैं। जब दो ब्लैक होल एक साथ काफी करीब आते हैं, तो वे अंततः एक इकाई में विलय से पहले एक दूसरे की परिक्रमा करना शुरू कर देंगे, पृथ्वी पर वेधशालाओं द्वारा खोजी गई गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में और भी अधिक ऊर्जा जारी करेंगे। ब्लैक होल में प्रवेश करने पर पदार्थ का क्या होता है?
जब पदार्थ एक ब्लैक होल में प्रवेश करता है तो यह चरम स्थितियों के अधीन होता है जो हमारे लिए पृथ्वी पर निरीक्षण या पुन निर्माण करना असंभव है। जैसे जैसे मामला ब्लैक होल के घटना क्षितिज के करीब आता है, यह तीव्र ज्वारीय शक्तियों का अनुभव करना शुरू कर देता है जो इसे पहचान से परे फैला और संकुचित कर सकता है। एक बार घटना क्षितिज के अंदर मामला ब्लैक होल के केंद्र में विलक्षणता की ओर खींच जाता है, एक ऐसा बिंदु जहां भौतिकी के सभी ज्ञात नियम टूट जाते हैं। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और अंतरिक्षमय इतना विकृत हो जाता है कि प्रकाश भी इसकी पकड़ से बच नहीं पाता। जैसे जैसे मामला विलक्षणता में गहरा होता जाता है, गुरुत्वीय रेडशिफ्ट के कारण समय का फैलाव होता है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के बाहर एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय धीमा चलता है। इसलिए एक ब्लैक होल के बाहर हमारे दृष्टिकोण से हम किसी भी चीज को धीमी गति से गिरते हुए देखेंगे जब तक कि वह अपने घटना क्षितिज पर समय के साथ स्थिर न हो जाए। आखिरकार जब सभी पदार्थ एक ब्लैक होल की विलक्षणता से भस्म हो जाते हैं और अपने घटना क्षितिज से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, केवल एक चीज बची है जिसे वैज्ञानिक हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, जो ब्लैक होल के किनारे के पास क्वांटम उतार चढ़ाव का परिणाम है। लेकिन इसमें पहले क्या गिरा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल। ब्लैक होल एक आकार फिटस भी ब्रह्मांडीय घटना नहीं है। वास्तव में तीन अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल हैं, जिनमें से प्रत्येक को उनके आकार और गठन की प्रक्रिया से अलग किया जाता है। पहला प्रकार तारकीय ब्लैक होल है, जो एक विशाल तारे के पतन से बनता है। इन ब्लैक होल में आम तौर पर हमारे सूर्य के लगभग 5 से 20 गुना द्रव्यमान होता है। फिर मध्यवर्ती ब्लैक होल होते हैं, जो द्रव्यमान के संदर्भ में तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में आते हैं। वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि ये मध्यम आकार के ब्लैक होल कैसे बनते हैं, लेकिन यह माना जाता है कि ये कई छोटे ब्लैक होल के विलय के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। हमारे पास सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, अब तक का सबसे बड़ा प्रकार। इनमें अरबों या खरबों सौर द्रव्यमान शामिल हो सकते हैं और अधिकांश आकाशगंगाओं हमारे अपने मिल्की वे सहित के केंद्रों में रहते हैं। अंतरिक्ष में सहस्तित्व वाले इन अलग अलग प्रकारों के बारे में सोचना आकर्षक है। बस एक और अनुस्मारक है कि हमारा ब्रह्मांड विविधता और आश्चर्य से भरा है। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा गया। अब तक खोजे गए सबसे बड़े ब्लैक होल को टोन 618 के रूप में जाना जाता है। यह विशालकाय पृथ्वी से लगभग 10.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और इसका द्रव्यमान सूर्य के 65 बिलियन गुना से अधिक है। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्लैक होल में से एक है, जो पदार्थ को अविश्वसनीय दर से निगल रहा है। टोन 618 की खोज नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, वाइज मिशन और अन्य टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके खगोलविदों द्वारा की गई थी। इसके विशाल आकार ने इसे वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना दिया है, जो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े ब्लैक होल कैसे बन सकते हैं। हमारे ग्रह से इसकी दूरी के बावजूद टोन 618 का अध्ययन इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों के व्यवहार और विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसके आसपास के वातावरण में परिवर्तनों का पता लगाने या यह देखने से कि यह आसपास की वस्तुओं के साथ कैसे संपर्क करता है, हम गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्षमय की प्रकृति के बारे में अधिक खोज सकते हैं। हालांकि इसके विशाल आकार के कारण टोन 618 आगे अध्ययन करने की उम्मीद कर रहे शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। फिर भी यह खोज सिर्फ एक और अनुस्मारक है कि ब्लैक होल नामक इस आकर्षक घटना के बारे में हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। निष्कर्ष।
ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से कुछ हैं। उनके विशाल गुरुत्व और अंतरिक्षमय को विकृत करने की क्षमता ने दशकों से वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है। अनुसंधान और अवलोकन के माध्यम से हमने इन गूढ़ संस्थाओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हम जानते हैं कि वे तब बनते हैं जब बड़े पैमाने पर तारे अपने वजन के नीचे गिर जाते हैं, जिससे एक तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा होता है, जिससे प्रकाश भी नहीं बच पाता है। हम यह भी जानते हैं कि घटना क्षितिज की ओर अंदर की ओर खींचे जाने से पहले ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले पदार्थ को ज्वारीय बलों द्वारा अलग किया जाता है, और हमने अलग अलग द्रव्यमान वाले विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल भी खोजे हैं। जैसे जैसे क्वांटम ग्रेविटी, प्रकाश की गति, रे बेंडिंग, समय फैलाव और अन्य घटनाओं की हमारी समझ समय के साथ बेहतर होती जाती है, वैसे वैसे इन ब्रह्मांडीय चमत्कारों के बारे में हमारा ज्ञान गहरा होता जाएगा। ब्लैक होल आज खगोल भौतिकी में सबसे पेचीदा विषयों में से एक बना हुआ है, जो हमें वर्तमान में अंतरिक्ष और समय के बारे में जो कुछ भी समझता है, उससे परे नई सीमाओं का पता लगाने के लिए हमें प्रेरित करता है। उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।